सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोट कोट नमन करते हैं, वंदना करते हैं और गुरु जी का लख लख शुकराना करते हैं। संगत जी, संगत जी, कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक जो समय गुजरा वो व्यर्थ गया, ना कभी सज्जनों की संगति की और ना ही कोई अच्छा काम किया। प्रेम और भक्ति के बिना इंसान पशु के समान है और भक्ति करने वाला इंसान के हृदय में भगवान का, गुरु का सदैव वास होता है। जय गुरु जी। कबीरदास जी आगे कहते हैं, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। साधु से उसकी जात मत पूछो, बल्कि उनसे ज्ञान की बात करिए, उनसे ज्ञान लीजिए। मोल करना है तो तलवार का करो, म्यान को पड़ी रहने दो। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए या आपा तो डालते, दया करे सब कोए। अगर आपका मन शीतल है तो दुनिया में आपका कोई दुश्मन बन नहीं सकता। जैसा कि गुरुजी भी हम लोगों को समझाए हैं कि संगत जी, मैं कल की बात बताऊं, कल मुझे यहाँ आना था, मैं इतनी उत्साहित थी, मैं बिल्कुल पागल हो जा रही थी कैसे रात कटे और मैं जाऊं जल्दी से। तो रात में पड़ी थी तो सोने पर आने की खुशी में, और दूसरे रात को ही मुझे सपना आया कि यहीं पे इसी बरामदे में इसी जगह पे सत्संग हो रहा है और गुरुजी ने बिल्कुल लाइट कलर का, मतलब हल्के कलर की, ज्यादा कढ़ावा नहीं है, ऐसे यहाँ पे चोला बिछा हुआ है गुरुजी का। और सबसे बड़ा कि मतलब बाहर पे भीड़ लगी हुई है और हम आए हैं, आके हमने परसों ही देखे सबसे आगे सीट हमको मिल गई, सबसे पहले आए। और हमारे अंकल आंटी मेहदी बेटा और ये राज भैया, ये दोनों लोग नहीं दिखे हमें। हमने कहा पता नहीं कहाँ चले गए ये लोग, और ये लोग व्हाइट पहने थे पूरा टाइम, ये भी पहने थे ये भी पहने थे, ना पता नहीं कहा। हम चारों तरफ देख रहे हैं, हमें दिख नहीं रहे। तो किसी संगत ने कहा कि वो चेंज करने गए अभी आ रहे हैं। हमने कहा कि कितनी देर लगती चेंज करने में, अभी तक नहीं आए हैं। और इधर देख रहे हैं, फिर अंकल मेरे लिए लड्डू तो लाना भूल गए, और हमने कहा भी था हम लड्डू लेके आएंगे। तो हमने किसी अंकल को दिया, पहले 500 दिए, फिर उन्होंने पता नहीं 500 मिले ना मिले, तो 500 और दे दिया। हमने अच्छा आप यहाँ से गए, वहां से तो माना भूल गए। तो वो चले गए, वो आए नहीं, देर हो गई। फिर मुझे एक गोरी गोरी से व्हाइट ड्रेस ही पहने थे, वो अंकल पीछे से इधर से आए और उन्होंने इतना बड़ा लड्डू दिया हमें, मतलब काफी बड़ा था कि मेरे दोनों हाथ में नहीं आ रहा था, हाथ में नीचे झुक गए ऐसे दिया। तो जो हमने कहा कि ये लड़की है कहाँ से इतना बड़ा, हम कहाँ है रखे इसको, ना हमें खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। और उसको फिर हमने क्या किया, अपने हैंकी में बांध लिया, उसमें भी बांध ना पाए, किसी ने भी पॉलिथीन में रख के फिर और क्या। फिर थोड़ी देर हमने कहा अभी तक नहीं है, पता नहीं बोलो, तो कहने लगे कि नहीं आ रहे हैं। तब तक देखा सामने से चले आ गए शुक्राना संगत जी। और एक नई बात है कि हमारे यहाँ 5-6 दिन पहले गुरुजी ने फेसबुक पे मैसेज दिया था कि तू परेशान न हो और तेरे सारे कष्ट हम काट देंगे, हम तेरे घर आ रहे हैं, जब तक तेरे कष्ट नहीं कटेंगे हम जाएंगे नहीं। संगत जी, हमारे मोबाइल में वीडियो हम बना के लाए हैं, तो बटरफ्लाई ब्लैक कलर की काफी बड़ी है और पीली पीली बिंदी दोनों पंखों में उसके रखी हुई है। वो मेरे घर आज 5 दिन से मेरे घर ही में है और जा भी नहीं रही है, पूरे घर में घूमती है, घूम के फिर जो है बरामदे बैठ जाती छत में। अभी हम जाएंगे तो वो चुपकी मिलेगी जो हर नहीं रही है। और संगत जी क्या बताएं, हमारे पे बिल्कुल मुसीबतों पहाड़ पड़ गया था, हमारी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था, हो गया है 2020 में हुआ था। तो उसमें उसी की थी स्कूटी से आ रहा था, तो वहीं पे एक्सपायर हो गया। तो पता नहीं हमारे दिमाग में आने के इतने दिन से केस चल रहा है, कुछ हो भी नहीं रहा है। लाओ बेचारी गरीब वो भी है, अब तो छोटे छोटे बच्चे घर वाले किसी के साथ तो देते नहीं है, तो हम कंप्रोमाइज कर ले, तो जो पैसा बनता हो उसको दे दें। तो जो हम गए कोर्ट में, तो वकील ने कहा हम अलग बात कर लेंगे पहले, हमें ठीक है। तो जहाँ पे ये एक्सीडेंटल केस वाला होता है वहाँ पे गए, तो हम 17 तारीख को गए थे, तो बुलाया उन लोगों को, तो उसका देवर है वो लड़की नहीं है। तो उसने फिर किसी तरह से करते हमने गुरु जी से कहा आप ही सब बात करिएगा, हमें कुछ नहीं बात करना आता, आप जो ओके कर दोगे हम वही मान जाएंगे। तो धीरे धीरे करते करते वो 20 लाख बोला, 19 लाख बोला, 18 लाख बोला, इतना करते करते 11 लाख पे आ गया। तो उसने कहा लेकिन हम वकील का पैसा नहीं देंगे, उसका 10% वकील का भी हमको देना पड़ेगा। फिर बोला हमारा दोस्त था, उसका भी एक्सीडेंट हो गया था, चोट लग गई थी, तो करीब 2-2.5 लाख उसका भी बन रहा है, तो सब मिला के 15 लाख रुपए हमें देना है। और हमें इसी 17 तारीख को देना, 2 महीने का टाइम दिया
का घर हमको बेचना है। तो हमारे यहाँ क्रांति थी, मतलब समझ लीजिए हमारी माँ की समानी है। तो हम जब मायके गए थे सीतापुर, तो स्वरूप लेके गए थे, जल प्रसाद बहुत दिन से मांग रही थी, हमने दिया नहीं था, तो हम लेके गए उनको दिया जाके, उन्होंने अपनी पास में रख लिया। फिर हम क्या बताएं कि वो अपने आप ही फोन किए, बोले क्या बात बेटा तुम बहुत परेशान हो, पता नहीं चाची बहुत परेशान है, हमको पैसा देना, अभी तो पैसे इंतजाम नहीं हो, और कहीं से लोन नहीं मिला, क्योंकि हम अरदास कर चुके थे गुरु से कि किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, आप ही के सामने हाथ फैलाएं। तो कई जगह से हमने अपनी बैंक से भी ट्राई किया, वहां से भी नहीं हुआ, दूसरी LIC से ट्राई किया, वहां भी नहीं हुआ, कहीं कोई लोन नहीं हुआ। हमने पैसे देंगे अब तो ये घर कुड़क हो जाएगा भाई, अब कोर्ट के आदेश हो जाएंगे तो हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा लो तुम एक लोगों से बात कर लो। हमने क्या, तो उनका नाम आरके मिश्रा है और राजेश कुमार मिश्रा, तो उन्होंने बात किया, उन्होंने कहा तुम परेशान क्यों हो, तुम कितना 50 लाख हम दे रहे हैं अपना, तुम अपने केस खत्म करो और फिर जो 2-3 महीने 4 महीने बाद जब वो दे देना हम ब्याज ले लेंगे। तो हमने कहा कि नहीं ऐसे तो हम नहीं लेंगे, आप ऐसे करिए मकान ही मेरा ले लीजिए। तो कहने लगे मकान मकान क्या करें, तुम्हारा काम होना चाहिए, तुम जितना कहो तो पैसे दे दें, क्या बात। उनका एक बेटी उनकी DM है और लड़का भी बहुत अच्छी पोस्ट पर हो, दो बच्चे हैं। तो हमने कहा कि आप तो हमारे लिए गुरु बिल्कुल बुजुर्ग से हैं, तो हमें तो गुरु जी ने उन्हें भेजा क्योंकि उनको स्वरूप दिया। तो वो बोली कि हमें जो है सपना भी आया था गुरु जी का, और इतनी प्रेगनेंस आई थी हमारे रूम में कि हम तुम्हारे फादर के डर के मारे हम पूजा नहीं कर सकते गुरु जी की, पर्स में ही वहाँ पा सकती हैं, केवल बोली हम जल प्रसाद पीते हैं और बस उन्हीं से बातें करते रहते, पर्स में रखे रखे। ये तो सत्संग, बाकी सत्संग हम जब हमारे फाइनल हो जाएगा तब हम खूब अच्छा शुक्राना सत्संग करेंगे। हमने राजंकल से कहा भी था कि हम तभी आएंगे जब हम शुक्राना सत्संग करेंगे आके, तभी आएंगे। हम बहुत टेंशन में थे, हाँ भी मेरा जल गया जब वहाँ यहाँ पे सत्संग हुआ था आसियाना में, तो मेरा हाथ जल गया था तो नहीं आ पाए। इसके बाद फिर टेंशन में इतना बीमार है, हमें लग रहा था हम कहाँ मुँह दिखाएंगे, कैसे क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। यही करने वाले अब ये 3-4 दिन से हमारे घर में रुके हुए जैसे लगता पालतू है बटरफ्लाई वो, तो इस तरह से पीछे पीछे घूमती रहती। तो हमने कहा अच्छा वीडियो बना लो, वीडियो ने मोबाइल में बना दिया। जय गुरु जी 17 तारीख तक रहेंगे ना, आपका काम फाइनल करना है, साथ रहेंगे गुरु जी आपके घर में, 17 तक फाइनल करना है। बहुत सी ऐसी चीजें होती है संगत जी जो हम महसूस कर पाते हैं। कल एक वीडियो मैंने शेयर किया था, शायद आप लोगों ने। गुरु जी ने कल्याण करने के लिए अपनी संगत को समझाया है, निंदा चुगली मत करो, अपनी हैसियत के अनुसार हमेशा जीवन भर सबका भला करते रहना, बुरा कभी मत करना, कल्याण निश्चित है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।